आगामी विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड पर है। बिसंडा थाना पुलिस ने पुलिस अधीक्षक बांदा अभिनंदन के निर्देश में बिसंडा थाना क्षेत्र के संदिग्ध इलाकों में पैदल गश्त सहित कस्बा ग्रामीण क्षेत्रों में निरीक्षण किया। थानाध्यक्ष बिसंडा विजय कुमार सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों में सुरक्षा व विश्वास की भावना जागृत करने के उद्देश्य से मंगलवार को पुलिस अधीक्षक बांदा अभिनंदन के निर्देश व क्षेत्राधिकारी बबेरू सियाराम के नेतृत्व में पुलिस ने पैरा मिलिट्री फोर्स सहित बिसंडा कस्बे सहित ग्राम पंचायत को राही बिलगांव के संदिग्ध इलाकों में पैदल किया। पुलिस ने मतदान केंद्र सहित कई बूथों व पुलिस फोर्स पैरा मिलिट्री फोर्स के रुकने के स्थानों का निरीक्षण किया। क्षेत्राधिकारी बबेरू सियाराम ने मतदाताओं से शांतिपूर्ण ढंग से अधिक मतदान करने की अपील की। क्षेत्राधिकारी द्वारा चेतावनी दी कि यदि किसी ने मतदान में व्यवधान डालने की कोशिश या शांति भंग का प्रयास किया तो उसके साथ पुलिस सख्ती से निपटेगी। पुलिस अधीक्षक बांदा ने आबादी क्षेत्र में प्रतिदिन पैदल गश्त करने के सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं। फुट पेट्रोलिंग के दौरान उपस्थित लोगों में विजय कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक बिसिंडा, सियाराम क्षेत्राधिकारी बबेरू, सुबोध कुमार अपराध निरीक्षक, उप निरीक्षक धनंजय सरोज, एसएसआई कन्हैया लाल यादव रहे। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन की रिपोर्ट। घर में किस प्रकार का भ्रमण था आप लोगों का? यह भ्रमण आगामी विधानसभा चुनाव को उद्देश्य रखते हुए और चुनाव आयोग के निर्देशन में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ में, जिसमें मैं और पैरामिलिट्री फोर्स के असिस्टेंट कमांडर श्री विजय आनंद और यहाँ के प्रभारी निरीक्षक और पर्याप्त पुलिस फोर्स के साथ में हम लोगों ने इसलिए फ्लैग मार्च हम लोगों द्वारा किया गया है कि लोग निर्भीक होकर के बिना किसी भय के मतदान जहाँ करना चाहे मतदान करें और मतदान की प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी लोगों को उत्प्रेरित किया गया और यह भी बताया गया कि यदि आप लोगों कोई भी वोट देने से भयभीत करता है तो तत्काल थाने पर एसपी साहब को और जो भी पुलिस संबंधी नंबर है आप तुरंत तत्काल सूचना देंगे। उनके विरुद्ध जो डराने वाला व्यक्ति होगा, गुंडा किस्म का व्यक्ति होगा या माफिया होगा, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मैं ये कहना चाह रहे हैं कि मतदाता को निर्भीक होकर के, निडर होकर के अपना जहां उनका मत देने का मन हो वो अपना मताधिकार मतदान करें, किसी प्रकार का किसी को भय ना हो और अगर कहीं कोई डराता है, धमकाता है या प्रलोभन देता है, इसकी सूचना पुलिस को दे तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।